या फिर जितने भी दलाल घटिया बेइज्जत पत्रकार हैं जितने भी हो, इनको तो औरत कहलाने पे शर्म आनी चाहिए कि औरत है, ये तो औरत कहलाने लायक ही नहीं। औरत का दिल तो इतना नाजुक होता है। फिलिस्तीन की 1.5 लाख जनता को मारेंगे, 35,000 औरतों को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, तो बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ है। अब वो इस्लामिक है या नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है। ईरान ने इसराइल को धमका दिया, एक तरह से धमकी दे डाली है, क्या कहेंगे इस पे? बहुत अच्छी बात है। देखिए मुझे लगता है कि अरब कंट्रीज को ही नहीं, हमारी जैसी कंट्रीज को जो अरब कंट्री नहीं है, तो उनको भी बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए इस टाइम फिलिस्तीन का। 7 महीने के बच्चे के सर पे गोली मार, सर फाड़ दिया गया उसका गोली मार के, इतना सब कुछ अगर आप देखे कि हो रहा है तो रातों को नींद नहीं आती, रूहें कांपती है कि भैया इतना सब कुछ हो रहा है और फिर भी हम, मतलब हमारी इंसानियत इतनी ज्यादा मर चुकी है कि फिर भी वो लोग इसराइल का साथ दे रहे हैं, भारत के लोग फिर भी वो देख रहे हैं कि भैया हिंदू को और मुसलमान को। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। निशा झा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता नेहा भारती हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में इसराइल और फिलिस्तीन को लेके जो बवाल मचा हुआ है, एक तरीके से कह सकते पूरी दुनिया बढ़ चुकी है, जो आधी दुनिया है वो इसराइल के समर्थन में, वही दूसरी जो दुनिया है एक तरीके से कह सकते जो अरब कंट्रीज है वो लगातार सिर्फ फिलिस्तीन को समर्थन दे रही है। और इस बीच चर्चा चल रही है भारत के कि भारत जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री वो इसराइल के साथ क्यों है, डिबेट का मुद्दा ये बना हुआ है। तो हमारे साथ नेहा भारती, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो नेहा भारती आप कैसे देख रही हैं, पूरी दुनिया बट गई है इस मुद्दे पे, नेहा भारती किसके साथ है? देखिए दुनिया बटी हुई है, मेन बात ये है कि हम जहाँ पर खड़े हैं, जिस धरती पर खड़े हैं, वो किसके साथ दे रहे हैं और वो क्यों दे रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, जब अलक्सा मस्जिद हमने देखा, पहले हमने देखा तो उस टाइम 2 साल पहले की बात है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी, बहुत रिस्पेक्ट से बोलना चाहूँगी उनकी, कि वो मोदी जी जो है वो 2 साल पहले किसके साथ खड़े थे, फिलिस्तीनियों के साथ, फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, लोगों के साथ खड़े थे कि गलत हो रहा है। उसके बाद 2 साल बाद ऐसा उन्होंने कौन सी घुट्टी पिला दी मोदी जी को जो आज वो इसराइल के साथ हो गए। हमने पुराना इतिहास अगर हम दौड़ाएं, इतिहास में हम देखें तो इंडिया का इतिहास शुरू से रहा है कि फिलिस्तीनियों के साथ रहा है। अरब कंट्री नहीं है हम, फिर भी फिलिस्तीनियों के साथ रहे हैं, तब भी हमने देखा कि फिलिस्तीन के साथ रहे हैं। पर अभी हम देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इसराइल का साथ दे रहे हैं। पता है क्यों ये हो रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पर जो राजनीति है, हमें यहाँ पर राजनीति जो चमकानी है वो हिंदू मुसलमान की चमकानी है। यहाँ पर उनको पता है कि 2024 में हम जीतेंगे कैसे, 2024 में उनके पास कुछ होगा नहीं, तो उनको पता है कि अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे अभी से तो 2024 में क्या करेंगे, 2000 क्योंकि काम तो है नहीं ना कोई, उन्होंने रोजगार इंसान लोगों को दिया नहीं है, उन्होंने पढ़ाई का कोई, हमने देखा कि पढ़ाई के लिए एजुकेशन सिस्टम उनका कुछ रहा नहीं है, उन्होंने अनाज जो होगा वो लोगों को दिया। सवाल है हमास को लेके, चाहे भारत में लगातार समर्थन में भी लोग आ रहे हैं, जो कई जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है वो भी हमास के समर्थन में, क्या लगता है? वही दूसरी तरफ इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, लेकिन वहीं देखिए लोग समर्थन में आ रहे हैं। कुछ भक्त टाइप लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया उनकी आरती भी उतार रहे हैं इजरायलियों की और हमास को जो आतंकवादी कह रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे इंडियन, अगर इंडिया के हिसाब से भी देखी जाए तो इंडियन पॉलिटिक्स में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए या फिर यहाँ का, यहाँ पर अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि हमास आतंकवादी है, तो हम कैसे मान लें हमास आतंकवादी है? पूरी मीडिया बोल रही है कि हमास एक आतंकवादी है। मीडिया तो दलाल है, मीडिया तो बिल्कुल बोलेगा। देखिए मीडिया को पैसे दिए जाते, मीडिया की जेबें गरम की जाती है, आप उनसे जो भी बोलेंगे ना, आज अगर आप बोलेंगे कि भैया आ जाओ फिलिस्तीनियों का साथ दे दो और फिलिस्तीन अच्छा, तो आप देखिए कि गुनगान गाना ऐसा स्टार्ट हो जाएगा फिलिस्तीनियों के साथ, तो उनकी जेब जिस चीज के लिए गरम की जाएगी वही चीज उनके साथ होगी। हम देख रहे हैं अभी फिलिस्तीन की बात करें, इसराइल की बात करें या हमारे खुद की इंडिया की भी बात कर लें, तो यहाँ पर सिर्फ वही दिखाया जाता है पॉलिटिक क्या कहते हैं मीडिया में, जो कि आपको गवर्नमेंट दिखाने के लिए बोलती है, जो कि आपको गवर्नमेंट दिखाने के लिए मजबूर करेगी, चाहे उनकी मेंटेलिटी खुद की सोच, खुद की समझ कैसी भी हो, बट आपको जिस चीज़ के लिए पैसे दिए जाएंगे, जिस चीज़ के लिए आपकी जेबें गर्म की जाएगी, तो आपको दिखाना पड़ेगा। नेहा भारती नहीं मानती हमास को आतंकवादी संगठन? देखिए हमारी इंडियन पॉलिटिक्स ही नहीं मानती तो हम होते कौन है मानने वाले? बिल्कुल नहीं मानते, क्यों मानेंगे? देखिए हाँ ठीक है, अगर डिक्लेयर हो जाता है, अभी तक देखिए आप अमेरिका ने घोषित कर दिया है। आप एक बात देखिए, जो भी देश होता है अपनी एक सूची निकालता है आतंकवादियों, क्योंकि भैया आतंकवादी संगठन है, बहुत सारे संगठन है ऐसे, पाकिस्तान की हम बात करें, बहुत सारी कंट्रीज की ऐसी बात करें जहां पर आतंकवादी हैं, उनको घोषित कर दिया गया है कि भैया ये आतंकवादी है। हमास तो अभी तक हमारे इंडिया में आतंकवादी कहने का हुआ है ही नहीं अभी कि हाँ आतंकवादी। हाँ अगर हमारा इंडिया उसको डिक्लेयर कर देता है, कह देता है कि भैया ये आतंकवादी संगठन है। देखिए हमास ने जो किया, मैं खुद बोल रही हूँ, हमास ने जो किया इसराइल में, बम बारूद जो गोले जो भी उन्होंने किया, मिसाइलें जो भी उन्होंने दागी,
या फिर औरतों के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था, बहुत गलत था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और अगर हम इंसानियत की बात करें तो बिल्कुल नहीं गलत करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि युद्ध से सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह मरते हैं, उनके भी लोग बेगुनाह मरे। और अगर आप कर रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए कि आपके पास भी होगा। और वही फिलिस्तीनियों के साथ हुआ, फिलिस्तीन में जो लोग थे, जो बेगुनाह लोग थे। बट अगर आप उसके पीछे की चीज़ों को देखिए तो फिलिस्तीनियों के साथ बहुत बुरा भी तो हुआ है ना। लोग मजबूर क्यों हुए? कोई खुशी खुशी तो नहीं जाता ना किसी के घर पर लड़ने के लिए, कोई खुशी खुशी तो नहीं जाता ना कि भैया हमारे भी लोग मर जाए, हम उनके भी लोग मार दें। कुछ ना कुछ ऐसा इतिहास घटना उनके साथ घटी होती है, ज़रूर घटी होती है कि हाँ आप उन पे वो चीज़ें करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमास ने जो किया, जो भी ये सब हुआ फिलिस्तीन में जो हुआ अभी हम देख रहे हैं, तो फिलिस्तीन करने के लिए मजबूर क्यों हुआ? क्या मतलब ऐसी क्या वजह रही? आप उनके लोगों, आप आज एक वीडियो से पूरा का पूरा चीज़ों को नहीं आ सकते कि भैया इजरायली औरत के साथ ख़राब हुआ, उनके साथ ख़राब हुआ तो फिलिस्तीन में जो औरतें हैं उनके साथ भी ख़राब हुआ, उनको भी मारा गया, उनके भी बुरके खींचे गए, उनकी भी औरतों को घर से बाहर। मैं सही किसको माना जाए? कंफ्यूज हो रही है जनता कि कुछ। अभी देखा आपने कुछ देर पहले, एक चाचा आए थे वो कह रहे थे कि यहूदियों के साथ कितना बुरा हुआ। मुझे ये मतलब ये बेवकूफ लोग ये होते कौन है जो ये कह देते कि भाई यहूदियों के साथ बुरा हुआ? अरे भाई आपका दुश्मन आपको मार रहा है, हिटलर आपको मार रहा है, आप पीड़ित होकर दूसरे देश में रहने चले गए हैं, वो देश आपको जगह दे रहा है, वो देश आपको अपना दिल दे रहा है, अपनी अपना सब कुछ निकाल कर दे रहा है, आपको शरण दे रहा है, आप उन्हीं को मारने लग जाओगे? मतलब इतना बेवकूफ है क्या ये इजराइल? जो इजराइल के मतलब आपको जो शरण दे रहा है, आप हिटलर की खून तक उस पर निकालोगे क्या? ये जो चाचा है थोड़ी देर पहले जो बोलकर गए, उनकी बेवकूफी मेरे को देखिए, वो ये इंसान है ना, इंसान सोच समझ उसकी जाहिल टीवी मीडिया में यही दिखा, ये दिखाई जाती है क्योंकि दलाल मीडिया वही दिखा रहा है। गलती उनकी भी नहीं, बेचारे मासूम भक्त है, उनको जो भी दिखाया जाएगा वो तो बोल देंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग जो कभी स्कूल नहीं गए, क्योंकि स्कूल्स मोदी जी ने बनाए ही नहीं है, उनके बच्चे नहीं पढ़े हैं, उनके बच्चे भी यही सीखेंगे। तो अगर आप एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, आप व्यापार पे बात नहीं करेंगे, आप नहीं बात करेंगे कि हाँ भैया लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए, अगर आप इन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे तो आप ज़रूर देखेंगे कि लोगों की मानसिकता तो ये होगी, सोच समझ तो ये होगी। वो कह रहा है कि भैया उनके साथ। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, अभी आपने नेहा भारती जो है उसकी वीडियो आपने देखा है कि वो किस तरह से बात करती हैं और हिंदुस्तान को लेकर, इसराइल को, फ़लस्तीन को लेकर के बातचीत करती है और बात आती है मीडिया पर कि पत्रकार जो है वो कहती है कि मीडिया जो है कहता है कि हमास जो है आतंकवादी है, आतंकवादी हमला कर रहा है। और नेहा भारती कहती है कि मीडिया वाले जो हैं इनकी जेब गरम की जाती है, ये झूठ पर झूठ, ये बिकाऊ मीडिया है और जो असल मुद्दे होते हैं उन पर इन्हें बात करनी नहीं होती है। अगर आज ही उनसे कह दिया जाए और उनको पैसा दे दिया जाए और वो उनसे कह दिया जाए कि फ़लस्तीनियों की हिमायत में बोलें तो उस पर आवाज़ उठाने लगेंगे, इसलिए कि वो बिकाऊ मीडिया हैं, झूठी हैं। मेरे दोस्तों, आज हर एक आदमी जो हिंदुस्तान का ये जान चुका है कि हमारी हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो किस नहज पर पहुंच चुकी है और किस तरह से वो काम अंजाम दे रही है। जो असल मुद्दे होते हैं, युवाओं को नौकरी मिलना, गरीबों को बेरोज़गारी जो है, उस पर कभी बातचीत नहीं होती है, बल्कि आम जनता को जो है भटकाने के लिए कभी किसी मुल्क और कभी न जाने कैसे कैसे मुद्दों पर वो बात करते हैं ताकि आम जनता को जो है असल हकीकत का पता न चल जाए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो किस तरह से फ़लस्तीनियों के मुतालिक बातचीत करती हैं कि मुसलमानों पर, वहाँ के मुसलमानों पर, फ़लस्तीनियों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है और इसराइल जो है उन पर हमला कर रहा है और उनकी जानों का दुश्मन बना हुआ है, उन पर बम छोड़ रहा है, अस्पतालों को मिसमार किया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे, मर्द औरत, बूढ़े बुज़ुर्ग जो हैं वो जो है शहीद हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो के अंदर ख़ुद सुन सकते हैं कि वो किस तरह से बातचीत करती हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारा भी कुछ, हम पर भी कुछ ज़िम्मेदारी होती है, वो ज़िम्मेदारी मुसलमानों ये है कि हम उनके लिए दुआ ज़रूर करें, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।